दीवे के नीचे अंधेरा है। कबीर जी को कहा कि दीवे के नीचे अंधेरा है, आपके सामने गलकटिया ने दुकान खोल ली है, आपके नाम में इतनी ताकत नहीं है कि आप उसका काम फेल कर सको, कितनी लाइन लगी होती है उसकी दुकान के आगे, आप में शक्ति नहीं है। कहते पागल, दीवे के नीचे जो अंधेरा होता है वो भी संकेत देता है, सुन लो जरा। दीवा कहता है कि जो मेरे नीचे अंधेरा है वो अंधेरा है तुम्हें प्रकाश देने वालों, मैंने लिया है तुम्हारा, वो अंधेरा मैंने तुम्हारा लिया है, तुम्हारे अंधेरे को मैंने पकड़ के रखा, इसलिए तुम्हें प्रकाश दिया हुआ है, मेरे प्रकाश की तरफ देखो। मेरे नीचे जो अंधेरा है उसको देखोगे तो तुम्हारे अंदर फिर कभी प्रकाश नहीं आएगा, फिर अंधेरा ही रहेगा। कबीर साहब महाराज कहने लगे, कबीरा तेरी जो बड़ी गलकटियन के पास, करणगे सो परणगे हम क्यों भए उदास। चंदन का वृक्ष और उसके पास बांस का वृक्ष होता है, लेकिन चंदन की खुशबू कभी बांस के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि वो बांस है। ऐसे सतगुरु जो होते हैं वो चंदन की तरह होते हैं, और जिनकी वृद्धि बांस की तरह होती है उनके ऊपर कभी भी सतगुरु का रंग नहीं चढ़ सकता, चाहे वो गुरु के चरण क्यों ना दिन रात पकड़ के रखे, हाँ कभी भी वो गुरु भक्ति का रंग नहीं चढ़ा सकते। हाँ उनके ऊपर गुरु भक्ति का रंग चढ़ता है प्यारो, जिनका प्रेम होता है, जो तन मन धन वाणी से गुरु के समर्पित होते हैं, जो कहते हैं कि जो कुछ है सब सतगुरु का है।